राज्य सरकार के वादे हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। यूं तो सरकारों ने श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, लेकिन उनके इस कार्य में जो उनका साथ दे रहे हैं उनकी ही हालत बदहाल है। आपको हमने इससे पहले भी अपनी रिपोर्ट में बस ड्राइवरों के बदहाली की तस्वीर दिखाई थी। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये बस ड्राइवर सड़क किनारे खुद खाना बनाकर खाने को मजबूर हैं। वहीं बस ड्राइवरों से बात करने के दौरान पता चला कि 300 रुपये के सरकार के किए हुए वादे हवा हवाई हैं, उन्हें किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। पूरे देश में कोरोना महामारी के बीच सरकार ने कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज के हजारों बसों को लगाकर एक जिले से दूसरे जिले में श्रमिकों को पहुँचाने की व्यवस्था की है। सरकार ने चालकों को खाने व अन्य खर्चे के लिए 300 रुपये रोज देने की भी बात कही है, मगर हकीकत कुछ और ही दिख रही है। रोडवेज परिचालकों ने कहा कि सरकार के किए हुए वादे कभी दिखते ही नहीं हैं, हम लोगों को भोजन तक करने की कोई सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, जिसके तहत हम लोग काफ़ी लंबे व दूर तक गाड़ी चलाने के बाद सड़क किनारे सूखी रोटी खुद बनाकर आधी पेट खाने को मजबूर। क्या नाम है आपका? राजू। आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खाना पका रहे साहब। क्या सरकार की तरफ से खाना नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला साहब, ना नाश्ता ना पानी ना खाना। कल आ गए थे रात में, भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, दो दिन हो गए हमें आए। अब देख रहे हो कितने दिन रहना पड़ेगा। सरकार से कह रही कि सारी व्यवस्था कर रही, व्यवस्था के लिए मिल नहीं रहा हम और उनको, बाद में देगी तो देखा जाएगा। हमें तो चारों नहीं मिली, चार पूरी और मिर्च का अचार। चार पूड़ी मिर्च का अचार देते हैं, वो अभी मिला नहीं है, बता दे, सुनने में ऐसा आया है। वो कल से अभी तक खाना नहीं मिला। सरकार कहती है कि 300 रोज खाने को देंगे, सब झूठ है, सारा झूठ है। एक रुपए का नहीं मिल रहा, एक पैसा भी नहीं मिल रहा, ना कुछ खाने को मिल रहा है। सब जेब से ले आ रहे हैं, सब जेब से लेके अभी आ रहे हैं। वो 450 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं रात को, अभी तक किसी ने पूछा नहीं है खाने के लिए। यहाँ से जहाँ तक जाते हैं आप गाड़ी चला कर ले जाते हैं, वहाँ तक जाने में व्यवस्था कैसे सरकार देती है? कोई व्यवस्था नहीं। कैसे खाते पीते हैं आप? कैसे? बस यही है कि कहीं चाय पी लेते, कहीं बिस्किट खा लेते हैं, कहीं कुछ खा लेते मजबूर हैं। इसके पूर्व भी परिचालकों द्वारा लगातार अपनी दुर्व्यवस्था को लेकर, उनमें सुधार के लिए अपनी मांगों को लेकर प्रशासन में विरोध व परिचालकों में रोष देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दें कि यात्रियों को उनके घर तक छोड़ने वाले ये परिचालक खुद खाना बनाकर खाने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद भी समय से इन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है। चालक सड़क पर ही भोजन बनाने के लिए बेबस हैं। चालक परिचालक का कहना है कि 400 से 500 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद समय से भोजन मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। वही चालकों का यह भी कहना है कि लंबे सफर के बाद भोजन बनाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जीना है और गाड़ी चलाना है तो खाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदना शून्य हो गई है, जो भूखे पेट तंग हाल में रहकर रोडवेज परिचालकों को जनता की सेवा करनी पड़ रही है। अब इस बदहाली की तस्वीर पर सरकार की कितनी नींद टूटती है, ये तो वक्त ही बताएगा। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।